एवरेज स्कोर ऑन देट एग्जाम फॉर देट सैंपल वुड बी ग्रेटर देन 540 तो उसका आंसर 2.28 है uh, 2.28 परसेंट या 0.228 टू टू वन परसेंट प्रॉबिलिटी उसकी है कि हमारी उस सैंपल की जो कि 25 का सैंपल है उसमें मीन जो है वो एवरेज स्कोर उसमें उस सैंपल उस का uh, 540 होगा या उससे भाव होगा आई होप यू हैव डन इट राइट राइट Uh, लेकिन अगर नहीं तो फिर उसको दोबारा से कैलकुलेट करें हमने ड्रॉ कर दिया था डिस्ट्रीब्यूशन आपने जी फाइंड आउट करना था और वैल्यूज प्लग इन करके आपने उस एरिया फ़ाइंड आउट करना था आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस इन की याद रखें कि हम क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं एस्टिमेशन हम क्या कर रहे हैं हम एक सैम्पल से पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे हैं डेली लाइफ में या फिर एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हम यूजली पॉपुलेशन से एक सैम्पल निकालते हैं ऑफ एन साइज और उसी सैम्पल से फिर वी वॉन्ट टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन प्रामीटर क्यों क्योंकि हमने उस सैंपल को स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन या इन्फ्रेंस ड्रॉ करना होता है uh, इसमें हम दो तरह से एस्टिमेशन करते हैं एक होती है पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरी होती है कॉन्फिडेंस इंटरवल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फर्स्ट करें यूनिवर्सिटी के अंदर देर आर मोर देन एटी फाइव डिपार्टमेंट्स एंड वी वॉन्ट टू नो द आई क्यू लेवल ऑफ द न्यू एंट्रेंस न्यू न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स इन सेमेस्टर वन इन द बी एस प्रोग्राम अब वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं क्योंकि एटी फाइव से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें हर डिपार्टमेंट में से हंड्रेड प्लस अगर स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में मॉर्निंग आफ्टरनून में तो द इज़ अूज पॉपुलेशन अब मैं क्या करती हूँ फर्स्ट करें मैंने सैम्पल निकाला है हंड्रेड का रेंडमली uh, निकाला है और फिर रेंडम सैम्पल निकालने के बाद मैंने उनका आई क्यू एवरेज रिपोर्ट किया है तो वो आ गया है हंड्रेड अब मैंने uh, उस हंड्रेड सैम्पल के साथ जो मेरा आई क्यू आया उससे मैंने क्या मैं इन्फ्लुंस ड्रॉ कर सकती हूँ कि पॉपुलेशन जो कि न्यूली एंटर्ड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी हैं उनका जो है मीन आई क्यू हंड्रेड होगा अगर मैं वाकई अपने सैम्पल स्टिस्टिक से उस पूरी पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट कर रही हूँ तो पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब है कि मैं उसी सैम्पल की सिंगल वैल्यू से आई विल एस्टिमेट के पॉपुलेशन का प्रामीटर या आईक्यू जो है वो एवरेज आईक्यू न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स का वो हंड्रेड होगा वैसे तो इसमें आ, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपने सैम्पल किस तरह से निकाला है आपने रेंडमली निकाला है आपने कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ की है आपने स्टडीफाइड सैम्पलिंग यूज़ की कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ किया उसको निकालने के लिए लेकिन ज़्यादा सेफ़र वे जो हमारा है रिपोर्ट करने का या पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने का वो है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्म कर दें यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि आप एक दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर देते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर के आपका पॉपुलेशन पैरामीटर इन दो वैल्यूज़ के दरमियान लाई करेगा और कॉन्फिडेंस इंटरवल का लिटरली मतलब यही यह है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है इन एस्टिमेटिंग द पापुलेशन पैरामीटर फ्रॉम अ सिंपल गिवन सैंपल स्टेटिस्टिक इसमें मोस्टली जो हमारा यूज़ होता है वो हमारा 95% परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ होता है और अगर हमने 95% परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल करना है तो हम बता देते हैं कि हमारी वी आर नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंट फ़र्स्ट करें जैसे आई वाली मैंने एग्जाम्पल दी है बजाय ये कहने के कि पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है वो हंड्रेड ही है एवरेज आई क्यू मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं टू स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस माइनस जाऊँ तो मैं कह सकती हूँ कि इनका जो एटी से हंड्रेड ट्वेंटी के दरमियान आई क्यू है सो नाउ आई एम नाइन्टी फाइव परसेंट शो कि पॉपुलेशन पैरामीटर या फिर जो पॉपुलेशन uh, की आई uh, है एवरेज आई That would lie between these two values, and I'm 95 percent confident and sure about it, K8720, population parameter like. So this is called confidence interval, where we form an interval for estimating population parameter. I will just read it: Confidence interval is an interval of values computed from sample data.

सिक्सटी एट परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कर सकते हैं आप टू स्टैंडर्ड डिविएशन चले जाएं तो आप नाइन्टी फाइव परसेंट एरिया या 95% फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्म कर सकते हैं और अगर थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन चले जाएं तो आप 99% नाइन परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल भी फॉर्म कर सकते हैं जैसे जैसे आप अपनी बढ़ाते जाते हैं आप एरर का मार्जिन कम करते जाते हैं और आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे एकपैंड करते जाते हैं कि हम 99 परसेंट कॉन्फिडेंट हैं कि आईक्यू जो है वो 70 और 130 के दरमियान है राइट right? सो so आप उसमें उसी तरह से लेकिन मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन परामीटर्स नाइन्टी 95 परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल और नाइन्टी कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि आपने अगर नाइन्टी परसेंट एरिया कवर करना है तो दोनों तरफ अगर को डिवाइड करें टू पे तो क्या आएगा या फिर अगर हम ये कह दें कि यह मिडल का एरिया नाइन्टी फाइव परसेंट है तो इसका मतलब हमारा पॉइंट जीरो टू फाइव एरिया इधर है और पॉइंट ज़ीरो टू फाइव एरिया इधर है सो फाइव परसेंट एरिया हमने टेल्स पे छोड़ दिया है और नाइन्टी फाइव परसेंट एरिया हमारा बीच के अंदर है और हम बता सकते हैं कि इसी एरिया में या इसी इंटरवल के अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर या पॉपुलेशन का मीन लाए करेगा इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंटरवल इन विच वी कुड हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट क्योंकि जब तक हम हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट सिर्फ उसी सूरत में हो सकते हैं जब हम इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी कर लें लेकिन अगर हमने इंटायर पॉपुलेशन स्टडी नहीं की तो हम कभी भी हंड्रेड परसेंट श्योरिटी के साथ नहीं बताते कि हमारा पॉपुलेशन uh, का जो पैरामीटर क्या है अंटिल और एनलेस वी थर् स्टडी द होल पॉपुलेशन कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसा हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मींस पढ़ा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शंस है इसी तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल भी आप मीन्स के लिए भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और आप पॉपुलेशन के लिए भी प्रोपोर्शन के लिए भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फ्रॉम अ साम्पल प्रोपोर्शन और हम डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स आती हैं मसलन मैं कहूं कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे डिपार्टमेंट में या फिर जो मैंने सैंपल लिया है फ़ीमेल्स की रेशो सिक्सटी परसेंट है तो टोटल पॉपुलेशन के अंदर यानी इंटायर पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़ीमेल की रेशो परसेंटेज क्या होगा सो हम प्रोपोर्शन सैम्पल के प्रोपोर्शन से हम पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो है वो एस्टिमेट करते हैं The most commonly reported information that can be used to construct a confidence interval is a margin of error. अच्छा हम margin of error का मतलब है कि हम कितने standard deviation plus minus जाते हैं और कितना area हम sides पे छोड़ते हैं कि ये हम error का margin रख रहे हैं। Margin of error का मतलब है कि first करें अगर मैंने two standard deviation plus minus जाना है और 95% confidence interval find out करना है। तो मेरा मार्जिन ऑफ एरर टू प्लस माइनस होगा टू कंस्ट्रक्ट नाइंटी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इन टवल फॉर अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन सिंपली एड एंड सब ट्रैक द मार्जिन ऑफ एरर यानी हम उस स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन को प्लस माइनस कर देंगे अपने सैंपल के प्रोपोर्शन से टू गेट द वैल्यूज हियर एंड हीयर

जो स्टैंडर्ड एरर है या मार्जिन ऑफ एरर है हम उसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस कर देंगे is, uh, इसको आप मार्जिन ऑफ एरर कह सकते हैं आप इसको स्टैंडर्ड एरर या फिर आप जैसा हमने पहले आपको पढ़ाया है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन पहले हम इसको डेविएशन का हम उसके सबस्क्रिप्ट में मीन लिखते थे लेकिन चूंकि आप प्रोपोर्शन का हम वो लिखेंगे ना यू मस्ट नो द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड एरर और मार्जिन ऑफ एरर और स्टैंडर्डिएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन और इसका फॉर्मूला हमारे पास चले मैं अगली स्लाइड में आपको बता देती हूँ लेकिन वैसे स्टैंडर्डिएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का फार्मूला है सैम्पल uh, प्रोपोर्शन और वन माइनस साम्पल प्रोपोर्शन और इसको हम अंडर रूट ले लेते हैं और फिर हम उसको एन से डिवाइड कर देते हैं दिस इज हाउ वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड स्टैंडर्डविएशन ऑफ द सांपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन और इसमें हमारा जो मीन uh, होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन का कैस क्या होता है दैट इज इक्वल टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जैसा हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू पापुलेशन कमियों के बराबर होती है इसी तरह सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन में उसका अगर हम सारे सैंपल्स ड्रॉ करें हर सैंपल का प्रोपोर्शन निकालें उसको प्लॉट करें और उसका मीन निकालें ऑफ ऑल द प्रोपोर्शन तो दैट विल बी इक्वल टू द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ये एक एग्जांपल है इन अ पोल 54 परसेंट ऑफ रिस्पोंडेंट्स अग्रीड और फेवर्ड अ फोर डे वर्क प्लान और वर्क वीक द रिपोर्ट ऑल्सो रिपोर्टेड दैट द मार्जिन ऑफ एरर इज थ्री परसेंटेज पॉइंट वाट प्रपोर्शन ऑफ द इंटायर अडल्ट पॉपुलेशन फेवर्ड four-day work week? इसका मतलब है कि हमारे पास अगर मार्जिन ऑफ एरर दिया हुआ है तो हम उसको पॉपुलेशन के सैंपल के प्रोपोर्शन से एक दफ़ा प्लस माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं सो हमारे पास सैंपल का प्रोपोर्शन दिया हुआ है दैट इज़ 54 परसेंट यानी आपने एक सर्वे किया और उसमें लोगों से पूछा कि क्या वो फोर डे वर्क वीक को प्रेफर करते हैं कि नहीं करते फिफ्टी फोर परसेंट ने कहा कि हाँ वो फोर डे वर्क वीक को प्रेफर करते हैं अब हमने एस्टिमेट करना है कि क्या पूरी पॉपुलेशन में भी प्रोपोर्शन इसी तरह से है कि नहीं है सो मार्जिन ऑफ एरर हमें गिवन है लेकिन आगे जाके अगली एग्जाम्पल में हम खुद से कैलकुलेट भी करेंगे सो वट यू विल डू फॉर द नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल यू विल टेक द प्रोपोर्शन एंड देन यू विल फाइंड आउट इसमें जो हमने फॉर्मूला पहले किया हुआ है कि सैम्पल का प्रोपोर्शन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर विच इज़ इक्वल टू एक दफ़ा आप थ्री उसमें से प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि पॉपुलेशन को अगर इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी करें तो उसमें कितने परसेंट या क्या प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विल फेवर आर डे वर्क वीक तो इसमें फिफ्टी वन परसेंट से फिफ्टी सेवन परसेंट लोग जो हैं They will favor a four day work week, and we are 95% confident about it that the population proportion would lie between these two values, which are 51% and 57%.